मैंने ब्लैक पहना है, इन्होंने भी ब्लैक पहना है और हमारा कुत्ता भी ब्लैक है। मामा देखा था? ए, था उसका। लगा ना मामा, डिंगे मत मारो। चावल बनने रख दिए और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की एंड मसूर की धुली हुई दाल, जिसे मैंने आधा घंटा सोक कर लिया है, इसलिए देखो ऐसी थोड़ी सी फूल गई है। सो मैं ये यूपी स्टाइल में जो बनती है वो रेसिपी से बनाने जा रही हूँ। मेरे हाथ में चिपक गई है, मेरा गला भी ख़राब है। सो ये देखिए, ओह यहाँ पर ये मैंने सॉल्ट डाल रही हूँ थोड़ा सा दाल में, थोड़ा सा नहीं मतलब एक टेबल स्पून जैसा। एंड यहाँ पे मैं डालूँगी हल्दी आधी स्पून एंड ये मेथी दाना, क्योंकि तुअर की दाल होती है ना तो गैस होने के चांसेस रहते हैं इसलिए। और यहाँ पे मैं ये डाल रही हूँ सरसों का तेल। एक बड़ा टेबल स्पून सरसों का तेल और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, थोड़ा सा और डालते हैं पानी। ठीक है, नमक हल्दी धनिया मेथी दाना एंड सरसों का तेल डाल के अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। और वैसे अगर आप मुझे मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास ऑलरेडी 3 कुकर हैं, एक ये हॉकिंस का है, ये प्रेस्टीज का है और एक ऐसा ही ब्लैक मेरे पास प्रेस्टीज का है, नॉन स्टिक का है, मैं आपको दिखाऊँ। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो कौन सा कुकर बेस्ट है तो मैं आपको बताऊंगी ये हॉकिंस का कुकर लीजिएगा। ये कुकर मैंने जोधपुर में लिया था, आई थिंक 3-4 साल या 5 साल हो गए होंगे और ये तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके हैंडल ये सब निकल जाता है, लेकिन ये ऐसा का ऐसा ही है। हाँ थोड़ा कोटिंग इसका निकल गया है पर अब 4-5 साल में इतना तो निकलेगा ना, पर कभी इसके ये देखिए इसके ये हैंडल में कभी दिक्कत नहीं है। इसमें तो जस्ट अभी मैंने ये कुकर चढ़ाया ना चावल के लिए, तब इसका मैंने नीचे से टाइट किया, पूरा निकल गया था हैंडल। और इसमें ये सीटी वीटी का भी अच्छा रहता है, ये देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ ये, और इसका तो ये आए दिन धुलने में निकल जाता है, इसकी सीटी की क्वालिटी देखो, जबकि हालांकि प्रेस्टीज का है, ऐसा कोई लोकल भी ब्रांड नहीं है। और सेम मेरा 5 लीटर का और भी एक कुकर है नॉन स्टिक का, आपको दिखाऊंगी कभी, अंदर रखा है क्योंकि 5 लीटर का यूज़ होता नहीं है ना डेली, इसलिए
और ये 3-3 लीटर के। सो चलो मैं इसको पहले लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए ये मैंने डाला जीरा, तो ये डाल रही हूँ मैं हींग, सूखी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने एक्चुअली लहसुन मैंने काट कट करके रखा था दाल में छौंक लगाने के लिए, जो कि साइड में ही उसकी कटोरी रह गई, और मैं कैमरा और व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने सिंपल हींग जीरा और मतलब सूखी लाल मिर्ची का ही तड़का लगा दिया। बट ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। फिर मैं इसको अलग से दोबारा छौंका लगाऊंगी और लहसुन को मतलब छौंका लगा के फिर मैं दाल में ऐड कर दूंगी। तो गाइज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जब मैं हींग जीरा एंड सूखी लाल मिर्ची डालती हूँ तभी वो लहसुन की जो कलियाँ हैं उसे बारीक कट करके और उसी छौंके में मिला के उससे छौंक लगाइएगा तो ये दाल अच्छी लगेगी। बट मेरे से ऑन कैमरा थोड़ा सा ब्लंडर हो गया और यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया है, ये देखिए। और सीरियसली ये दाल बहुत सिंपल होती है और बहुत ही अच्छी होती है। इसमें खटाई में आप चाहो तो मतलब ऐसे गांव में तो अमियाँ बोलते हैं ना जो खटाई होती है आम की सूखी खटाई वो डालते हैं, तो आप चाहो तो वो डाल सकते हो। और गुजरात में रहते हो तो कोकम भी यूज़ करते हैं गुजराती दाल में, तो आप वो भी डाल सकते हो। ये देखिए मैंने दूसरी बार अगेन छौंका लगाया, ये लहसुन कट करके डाला, तो जो दाल का जो एक्चुअली जो टेस्ट है ना वो ये लहसुन के छौंके से है। और गाँव में तो ये दाल सरसों के तेल में बनाते हैं और घी में भी छौंकते हैं, तो आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी इसको छौंकना पसंद हो तो आप वैसे छौंक सकते हो। और एक बार ये दाल बना के देखिएगा गाइज, अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी दाल है। चलिए आई होप आप लोग को मेरी ये दाल की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ घर पे एक ट्राई देना एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये दाल कैसी लगी। चलिए एंजॉय द वीडियो। और ये सरक के यहाँ आए। वाओ नानी के हाथ के गुलाब जामुन, देखो मुंह कितना बड़ा लगा। मेरे को भी खाना है पापा, पापा मेरे को भी खाना है प्लीज पापा। मेरे को साहिल ने नीचे दिए, मेरे को वहीं चट कर लेने थे। साहिल मामा बोलते मस्त था, ये लोग बड़े भिखारी गुलाब जामुन खाने। मेरे को वहाँ से हाई किया, मैं समझ गया ये कुछ हाथ में सामान लेके आ रहा है, मेरे घर पे देना है और इसको ऊपर नहीं पापा, जाना। पापा प्लीज, पापा रुक जाओ पहले, पापा प्लीज मेरे बाल देखो। एक काम करते हैं ब्रुनो, मैं सारी क्रीम निकाल निकाल के खाती तरह ना दादा खिलाओ ताकि तुम लोगों का डिमांड भी कम आए, पूरा डकार जाए। क्या हुआ अभी रसीना पार्कर का? अरे कुछ नहीं, वो क्या हुआ उसको मेल मिल गई एंटीसिप्ट्री मेल, वो तो मिल ही जाने वाली थी, काली की होती है एंटीसिप्ट्री, मतलब केस चलेगा ना। अच्छी मूवी है, ठीक है, पर मैं ऐसी मूवी को बढ़ावा नहीं देती, प्रमोट नहीं कर सकती। एक्टिंग अच्छी है श्रद्धा की, श्रद्धा कपूर की एक्टिंग अच्छी है, बट ऐसी मूवी बनानी भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को क्यों पब्लिक सिटी देनी है। देशभक्ति पे बनाओ, जो देश के वीर जवान है जो हमारे रियल हीरो हैं उन पे बनाओ। क्या हुआ ये जो मुंह के बाहर वाला था गिरा क्यों, सूरत के अंदर क्यों चला गया? आज हम लोग ने, आपको पता चल गया हम लोग जो बातें कर रहे थे कि हमने हसीना पार्कर देखी। लोग यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं ना तो इतने मस्त तैयार होके मेकअप वेकअप करके बाल वाल बना के अच्छी अच्छी वीडियो बनाते, और मैं बाल तो छोड़ो गाउन में ऐसे टेढ़े मेढ़े बालों के साथ वीडियो बनाती हूँ, अभी बोल लूँगी। फिर भी जहाँ चाह है वहाँ रहा है भाई, मेरे सब्सक्राइबर तो फिर भी मेरी वीडियो देखेंगे, उनको मेरी शक्ल सूरत से थोड़ी ना मतलब है, प्यार है उनको मेरे से, और नेचुरल ब्यूटी अच्छी होती है। ठीक है लिपा पोती करके आ जाओ। ये बोलना तेरे को लिपा पोती में जोर आता। मैं यही बोलने जा रही थी कि एक्चुअली मेरा आलस है जो मैं कुछ करती नहीं हूँ, रिमोट गया उसको मैं कवर कर रही हूँ नेचुरल ब्यूटी के साथ। ऐसा नहीं है, तैयार होना सबको अच्छा लगता है, पर मैं आलसी हूँ यार, नहाने में जोर आता है यार, तैयार तो दूर की बात है। आज देखो मैं नहा ही नहीं हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 6, अभी नहाने जाऊँगी क्योंकि आज सैटरडे और मुझे जाना है मंदिर, हनुमान जी के मंदिर शनि महाराज के, आपको पता है जैसे हम लोग जाते हैं।
सो अभी मैं बस नहाने ही जा रही थी, लेकिन ये नानी ने गुलाब जामुन भेजे तो मैं वो खाने लगी थी। चलो बाय। ये देखो अगेन पार्टी, या फिर से मामी ने भेज दिए गुलाब जामुन। लाओ मुझे भी खिलाओ। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी ना आई हूँ, अभी रात के कितने बजे, 7:45 हो रहे हैं ना, मैं 7:30 बजे ना आई। और अब मैंने ब्लैक पहना है, इन्होंने भी ब्लैक पहना है। हम लोग जा रहे हैं शनि महाराज के मंदिर, और हमारा कुत्ता भी ब्लैक है, ब्रूनो। गोटू ने भी टीचर ब्लैक पहनी है। कुत्ता तो हमारा कुत्ता जी हाँ। नहीं कुत्ता भी, कुत्ता क्यों बोलिए। और ये मैंने ले लिया है, ये मेरा पर्स है वो, और क्या बोलते हैं ये तेल की डब्बी है, हाँ तेल की, सरसों के तेल की डब्बी है। इसमें बाती भी बना दी है, अगरबत्ती है, और पैसे भी ले लिए क्योंकि वहाँ पे सिंदूर और तिल का तेल चढ़ाते हैं ना, इसलिए। चलो ना गोटू। जिया जिया जाने का मना कर रही है। चलो जिया। और मेरा लिप शेड कैसा लग रहा है बताइएगा, सुंदर है ना, बेबी पिंक। चलो घूमने के नाम पे देखो ऐसे नींद में वैसे भी उठ के बच्चे खड़े हो जाते हैं जाने के नाम पे। रुको टी शर्ट चेंज करो, एक मिनट। ये तो श्लोक के कपड़े हैं, गोटू के इसमें है। कौन से पहनाऊं गोटू? गोटू आप फ्रॉक पहन लोगे? ब्लैक वाला या ये और शॉर्ट्स? ये और इसका नीचे का ये वाला है। चलो बेटा ये वाले पहन लो कपड़े, ये वाले ठीक है। चल चलेगा। चलो चलो